देश भर में जैन समाज से जुड़े प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को रविवार महानगर के अलीपुर प्रेसिडेंसी उत्तीर्ण मंच में सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जीटो व सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से आयोजित किया गया था। जैन समाज की सम्मिलित शक्ति के लिए नियोजन का एक प्रतीक है। यह सार्थक उपक्रम निरंतर गतिमान रहे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे, यह हम सब की मंगल भावना और मंगल कामना है। प्लीज रिमेम्बर दैट कैरियर इज नॉट अ 100 मीटर रेस, इट्स अ 10,000 मीटर रेस। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सिविल सर्विसेज के माध्यम से हमें समाज में काम करने का एक अच्छा मौका मिलता है। That is why reforms were taken, reforms took place and from 6th pay pension onwards. After 805 years, I am IIT, IIT, IIT. जेएनडीएफ के प्रयास से आज पूरे देश में 100 से ज़्यादा बड़े स्तर पे अफसर सिलेक्ट हुए हैं और आगे ये काम करके आगे बढ़ रहा है। और जब अगर तैयारी की बात करें उस दौरान किस तरह की तैयारी रही, जैसे कि आप संबोधन में भी लोगों ने कहा कि इस तरह से तैयारी की जाए, तो आप जब तैयारी की रहे जब सेलेक्ट हुए तो क्या कुछ मतलब उसका विशेष है? सबसे बड़ा मतलब है कि लगन होनी चाहिए और करने की एक जिद होनी चाहिए। पूरे मन से आप अगर मेहनत करें तो ज़रूर सफलता मिलती है, ना मिले तो भी ये करियर या ये परीक्षा ऐसी है कि आप तैयारी के दौरान ही बहुत कुछ सीख सकते हो। और इस कारण से परीक्षा में अगर सफलता नहीं भी मिले और आप किसी और करियर में चूज़ करके जाए तो वहाँ पे आप एक अलग इंसान के तौर पे अपना परफॉर्म करते हो, वहाँ पे आप टॉप में जाने की सफल संभावना और बढ़ जाती है। एक साथ 36 जो जैन समाज में अपने जेएनटीएफ से सहयोग से जो बढ़े वो आगे जाकर के बहुत बड़ा नाम करेंगे। और सब लोगों से मिलने का मौका मिला और इनमें कई माताओं को नई प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने बच्चे को सिविल लाइन्स में दें और इससे समाज में काफ़ी युवा आगे आए। बहुत अच्छा अनुभव है और मोस्टली ये हमसे हमारा सम्मान तो है ही, बट जो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने तैयारी करते हैं उनके लिए मोटिवेशन ज़्यादा है, तो उसी पत्ता से देखा जाना चाहिए। बहुत सम्मान ले चुके हैं, आपकी ज़रूरत है वो अगले बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए। जब सिलेक्शन हुआ था उस दौरान का जो अनुभव रहा और आज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? हमारे टाइम पे तो पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की और मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है और अप्रोच टोटली डिफरेंट हो चुकी है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करें। Yeah.
आज आपने देखा हम कई लोगों से डरवा रहे हैं, इसी दौरान यहाँ पे हमारे साथ विंग में हैं आप नेहा जैन जी हैं, इनसे जानते हैं कि मतलब आज का जो अनुभव रहा। वैसे सम्मान तो आपका हाईएस्ट रैंक के अधिकारी हैं तो बहुत सारे सम्मान आपको मिले होंगे, लेकिन आज यहाँ पे समुदाय की तरफ से सम्मान मिला उसको कैसा है? बिल्कुल मोटिवेशन होता है और ये भी लगता है कि और भी बच्चों को इनकरेज करें कि वो आए, और स्पेशली महिलाओं को लड़कियों को इनकरेज करने में एक अलग एक गर्व की अनुभूति होती है क्योंकि हम खुद उसको फेस कर रहे हैं। आपने अपने संबोधन में कहा, मैं भी सुन रहा था, आपने कहा कि जब आपने प्रोफेशनल कैरियर में आप पहले प्राइवेट सेक्टर में थे उसका जो अनुभव रहा और यहाँ पे आने में बहुत सारी समस्याओं का अनुभव था, आपने ये भी रिक्वेस्ट किया पब्लिक से ऑडियंस से कि आप बेटे और बेटी में फ़र्क ना करें, ऐसा क्या कभी तैयारी करते टाइम में कुछ ऐसा मैसेज है जब आपने ये फील किया हो कि बेटा और बेटी में कुछ फ़र्क आए? पर्सनली मेरे पेरेंट्स ने तो कभी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किया, बट मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो फ़र्क करते हैं। आज भी जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे परिवार में कहीं भी उनको ज़्यादा खुशी हुई तो मम्मी को रिमाइंड किया कि मम्मी मैं तुम्हारी बेटी हूँ, पर तुम्हें कभी कुछ कमी फील हुई है क्या? आज महिलाओं जो हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, जैसे आपने ये अपना दिखाया वर्चस्व यहाँ पे गायब रखा है, आज जो इस क्षेत्र में महिला आने वाली उनके लिए क्या कुछ करना, क्या मैसेज है? देखिए हमेशा से एक एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासन जो है उसमें हम पुरुषों को ही इमेजिन करते हैं, बट अगर आप एक महिला हैं तो आपको एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच होता है, एक बहुत ही मातृत्व भरा अप्रोच भी होता है कोई भी समस्या समझने में। आप अपनी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं एज लेडीज़, आप बहुत ही प्यार से अपना काम भी करवा सकते हैं और लोगों को खुश भी रख सकते हैं। हमारा चैनल जो है ये जैन समुदाय से ही है, अभी रिसेंट में सुना 6 महीने हो गए, 5 चैनल नंबर पर आता है, उसके लिए क्या कुछ मैसेज है? ऑल द बेस्ट भारत। अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा लोग दिखाई थे, हम मैं और वैभव स्पेशली बॉम्बे से यहाँ पे अटेंड करने के लिए आए। आप भी युवा हैं और युवा को सम्मान दिया गया, कैसा मतलब फील हुआ? प्रोग्राम की जहाँ तक बात करूँ मैं युवा हूँ, इनफैक्ट कई लोग मुझे कहते हैं मैं बच्चा हूँ, मैं JTF पे ट्रस्टी हूँ और काफ़ी पैशनेटली इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है कि जैसा ज़्यादा युवा देश की सेवा में जुड़े, IAS और सिविल सर्विसेज के थ्रू समाज की सेवा करें, तो यहाँ पे लोगों का जैसा उत्साह देखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और हमको लगता है कि इस बार कलकत्ता से भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन होगा सिविल सर्विसेज एग्जाम में, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम। आपका शुक्रिया वैभव जोड़ा। सारे ऑफिसर्स जो जैन से बच्चे ऑफिसर्स बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई, देश की सेवा करें। आगे जैन का नाम सिर्फ इंडस्ट्री में था, इनसे बिजनेस करना चाहते हैं, वो देश का सेवा भी करना चाहते हैं, इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें अपने जो नवोदित अपने जो जैन के जो जितने जो जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनको क्या आगे का कैसे अपना भविष्य तय करना है उस हिसाब से यदि सोचने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम था, जिससे क्या कि जो अभी जो प्रतिभा है जो उभर कर जैन में आ रही है वो आगे कैसे बढ़े, क्या लाइन पकड़े, जैसे अभी ट्रेडिशनल जो लाइन्स आ रही है उसी में वो जा रहे हैं, लेकिन ये जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये रेवेन्यू सर्विस है, ये IPS के हैं, IAS RS जितने जो बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है आगे जा करके जैन धर्म का जो ये जो रक्षा करना आगे जो अपना और जो कार्य कर सकते हैं यही कर सकते हैं, इनको बहुत अच्छा बढ़ावा देना चाहिए, इसके लिए जो ये जीतो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है,
और हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। ये हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक बार कहा कि अगर भारत देश में प्रशासन में अगर हमारे संप्रदाय के हमारे जैन धर्म के लोग अगर IAS, IPS, RS जैसे पोस्ट पे पहुंचते हैं तो ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। और आज जो जीटों ने इस प्रोग्राम को यहाँ कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया है ये वाकई हैट्सऑफ प्रोग्राम है, काफ़ी प्रशंसा एवं बधाई के पात्र हैं। और हमारे जैन कम्युनिटी के जो जैन स्टूडेंट हैं वो आज के इस प्रोग्राम को देख के इतना माने इंकरेज होंगे और उनको बहुत ही ज़्यादा इस प्रोग्राम से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद जीटो। आज का प्रोग्राम बहुत सुंदर रहा है। जीटो ने जो नई जनरेशन है उनको इतना मोटिवेट किया है कि जितने भी लड़के यहाँ पे आए हैं और जो नहीं भी आए हैं उनको कम से कम जितने भी सरकारी पोस्ट में हैं जो आज तक लोग नहीं जाते हैं उनमें जाने के लिए काफ़ी मोटिवेट होंगे। बस यही सबसे अच्छा खुशी का बात। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत सफल रहा और जो बच्चे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और हमारे बच्चे इस लाइन में जाए उसके लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक था। या मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्रोग्राम था, स्पेशली जैन ऑर्गेनाइजेशन का इतना अच्छा एफर्ट लिया गया है हम लोग को, जैन समाज को आगे लाने का, तो मेरे जैसे लोग भी बहुत मोटिवेटेड है तो मेरे को भी डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ना है और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए तो जब ये अवेलेबल है मैं उसको डेफिनेटली लूँगी। आज यहाँ इसके पहले इस तरह के प्रोग्राम तो हुए नहीं ऑर्गेनाइज, लेकिन ये बेसिकली जो जिटो किया है उस पर क्या कुछ कहना है, समिट के लिए क्या कुछ कहना है? बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु वांट टू एक्चुअली कम फॉरवर्ड एंड हो सकता है आउटसाइड इन द वर्ल्ड वी डोंट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम, तो ये इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु एक्चुअली वांट टू कम फॉरवर्ड इन द एकेडमिक फील्ड एंड वांट टू डू समथिंग ग्रेट। अभी क्या कर रही हैं? सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैंने 3 साल बैंगलोर में काम किया है, तो अभी मेरे को आफ्टर अटेंडिंग सच अ प्रोग्राम आई एम स्टिल मोर मोटिवेटेड कि मैं और भी कुछ करूँ, मैं और भी सी ए से आगे भी बढ़ूँ। तो आई थिंक क्या कुछ प्लान है, मतलब कि मैं अब IRS या इन सब में मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दूँ JFT के थ्रू एंड मैं आगे बढ़ूँ एंड मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले तो।